हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस, इससे थ्री एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया था। अभी हम इसका क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था कि एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो पहले देखें, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हम एलिमिनेशन मेथड को कैसे सोल्व करते हैं। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बता रखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। मतलब कोई भी हमें प्रॉब्लम्स बता रखी है, कोई स्टेटमेंट दे रखी है, उससे हमें पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन को फिर सोल्व करना एलिमिनेशन मेथड से। तो अभी हम क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट में क्या बता रखा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मतलब हमें एक फ्रैक्शन लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन को मान लेंगे। क्या मान लिया, एक्स बाई वाई, ये इसका न्यूमिनेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो पहले कंडीशन में क्या बता रखा, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, तो हम इसके न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। और फिर क्या बता रखा है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते तो आगे हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा वो 1 होगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अभी सेकंड कंडीशन क्या बता रखी है, इट बिकम्स 1/2, ये जो फ्रैक्शन है एक्स बाई वाई, ये 1/2 कब बनेगा, जब हम ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 1/2 बन जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अभी हम इक्वेशन 2 को सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम इसको सोल्व करते हैं, एक्स प्लस 1 की फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एक्स प्लस 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा, और ऐसे वाई माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा। अभी एक्स को यहीं पे रख लेते हैं, एक्स, और ये अभी माइनस वाई इस साइड, ये प्लस 1, ये इस साइड आके प्लस 1 हो जाएगा, इजिकल्स टू 0। ये क्या होगा, एक्स माइनस वाई प्लस 2 इजिकल्स टू 0। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अभी हम सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अभी इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और वाई प्लस 1 की 1 के साथ करेंगे तो वाई प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 2x माइनस वाई माइनस 1 इजिक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी हमें ये इक्वेशन मिल गई, ये दो लीनियर इक्वेशन हो गई हमारे पास। अभी हमें इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, तो वही एक्स माइनस वाई प्लस 2 इजिक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 1 इजिक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, अभी एलिमिनेट करने के लिए हमें इस वाले एक्स या तो एक्स के या वाई के कोफिशियंट को सेम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें वाई का हमारे पास ऑलरेडी सेम है तो हमें इसमें किसी को सेम करने की जरूरत नहीं है, हम वाई वाले को एलिमिनेट कर देंगे। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम इसके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अभी इससे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2x, ये प्लस का x, तो कितना बच गया, माइनस एक्स, ये प्लस 3 इजिक्वल्स टू 0। तो माइनस एक्स, ये इस साइड जाके माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3, ठीक है। अभी जो एक्स की वैल्यू आई है, हम इसको एक इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड या फोर्थ किसी में भी पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स माइनस वाई प्लस 2 इजिक्वल्स टू 0, तो एक्स की जगह 3 पुट कर लेंगे, माइनस वाई प्लस 2 इजिक्वल्स टू 0, तो ये माइनस वाई प्लस 5 इजिक्वल्स टू 0, ये माइनस वाई, ये प्लस 5 इस साइड जाके माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो जो हमारे पास हमने जो फ्रैक्शन माना था, हमें एक्स बाई वाई ये निकालना था ना, तो एक्स कितना है, 3, और ये है 5। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अभी हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में क्या बता रखा है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये जो एजेस वाले क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, एजेस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी दे रखा है इसमें नूरी और सोनू के बारे में बता रखा, तो हम इन दोनों के प्रेजेंट एज मान लेंगे। तो नूरीज प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स। फिर सोनू की बता रखी है, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, वाई, ठीक
अभी हम जो भी इसकी कंडीशन जो भी लिख रखा है ना, हम उसको फॉलो करते हुए चलेंगे. 5 years ago मतलब एक्स और वाई, 5 years ago मतलब 5 साल पहले. नूरी की एज एक्स माइनस फाइव और सोनू की एज वाई माइनस फाइव. क्या बता रखा है? नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. जो नूरी है ना वो इसकी एज का 3 गुना है. मतलब इसकी जो एज है वो तो पहले ही 3 गुना है. इसकी एज को बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की 3 गुना है. तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा. अभी इसको हम सोल्व कर लेते हैं. एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 3y-15. अभी इसको इस साइड ले आते हैं. एक्स माइनस फाइव माइनस 3y+15 इज इक्वल्स टू 0. एक्स माइनस 3y+15-5+10. ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई. अभी सेकंड कंडीशन क्या बता रखी? 10 years later मतलब एक्स और वाई. 10 years later मतलब 10 years later 10 साल के बाद नूरी की एज जो होगी वो एक्स प्लस 10 होगी और जो सोनू की एज है वो वाई प्लस 10 होगी. क्या बता रखा? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस है, 2 गुनी है. मतलब नूरी की एज तो पहले से ही 2 गुनी है. तो इसकी एज के इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तभी तो इन दोनों की एज इक्वल आएगी. तो अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं. तो ये 2y+20 ये इस साइड लाएंगे, सिंपल फॉर्म में बना लेंगे. ये प्लस 10 ये माइनस 20. ये क्या हो गया? एक्स माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 कितना बच गया? सॉरी माइनस 10. तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई. अभी वही एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है. तो अभी कोफिशियंट एलिमिनेट करने के लिए हमें कोफिशियंट सेम करना होगा. तो x x के कोफिशियंट सेम है तो ये सीधा सोल्व हो जाएगा. प्लस 10 एक्स माइनस 2y-10. तो अभी ये इसका प्लस प्लस है तो इसके साइन चेंज कर देंगे सारे नीचे वाले के. तो x से x, ये प्लस का माइनस 3y और प्लस 2y कितना बच गया? माइनस वाई. और ये कितना बच गया? प्लस 20. तो माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0. ये माइनस वाई और ये प्लस 20 साइड जाके माइनस 20 हो जाएगा. माइनस से माइनस कैंसिल तो y कितना आ गया? 20. अभी y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कौन से में भी पुट कर लेते हैं. फर्स्ट में पुट कर लेते हैं. तो x माइनस क्या थी? x माइनस 3y प्लस 10. तो 3y की जगह 20 पुट कर लेंगे और प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लिया. तो अभी हम इसको सोल्व कर लेंगे. माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. एक्स माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0. तो एक्स कितना हो गया? ये 50. तो मतलब एक्स हमने नूरी की एज मानी थी, वाई सोनू की एज मानी थी. तो एक्स हमारे पास 50 आया, वाई 20 आया है. तो मतलब नूरी की एज कितनी है? प्रेजेंट एज 50 और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है? 20. ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कर लेना. अभी हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट में क्या बता रखा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9. आल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. तो इसमें इसका मतलब क्या बता रखा है? देखो, 9 2-digits कोई भी 2-digit है जिनको ऐड करके हमें 9 मिले. तो ऐसे कोई भी डिजिट देखो, 1 8 होती है, 8 1 होती है, 2 7 होती है, 7 2 होती है, 5 4 होती है, 4 5 होती है. ठीक है, मतलब ये डिजिट 2 हैं लेकिन इनको ऐड करेंगे तो 1+8 9, 8+1 9, 2 7 9. तो जैसे हमने ये ले ली, 45 ले ली. ठीक है, तो अभी हमने इन दोनों को देखो ऐड, ये हमने दो डिजिट मान ली. ये हमारे पास वाई है और ये इसकी एक्स डिजिट है. ये 1s होती है और ये 10s होती है. ठीक है, जैसे हमने ये चीज़ तो पढ़ी है, 1s, 10s, 1000, 10,000, lakhs, मतलब जो भी पढ़ा ना. ये देखो 1s है, ये इसका 10s है. तो ये वाई है, ये एक्स है. तो हम क्या कर लेंगे, ये लेट, इससे हमें ये समझना है, लेट 1s डिजिट इज इक्वल टू एक्स और 10s डिजिट इज इक्वल्स टू वाई. ठीक है,
अभी क्या बता रखा है, इसने आगे कंडीशन बता रखी है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो मतलब एक कंडीशन तो इसने ये बता दी कि दो डिजिट है ना उनका सम 9 है, मतलब हमें पता नहीं है कि वो क्या है एक्स और वाई, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, एक इसने ये हमें बता रखा है। फिर इससे आगे इसने क्या बता रखा है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो देखो अभी ये चीज़ तो है, अभी हमें एक चीज़ और याद रखनी है। जैसे देखो ये टेंस पे है, ये वंस पे है, तो टेंस पे कितना है x और वंस पे कितना है y। तो हम ये नंबर को ना ऐसे लिख लेते हैं, जैसे ये टेंस पे है तो टेंस पे कितना है x और वन पे कितना है y, तो टेन एक्स प्लस वाई। ये टेंस पे था हमारा, x माना था, ये तो हमने सिर्फ ऐसे ही समझने के लिए लिया है। वैसे हमारे पास x और y डिजिट है, x जो है वो टेंस पे है, y जो है हमारा वो वंस पे है, तो टेन एक्स प्लस वाई इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेते हैं। अभी इसने इससे आगे क्या बता रखा, इसका रिवर्सिंग ऑर्डर भी बता रखा है। जैसे देखो 4 5 लेके चल पड़ो यहाँ पे, एक बार मैं ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा में इसके करके दिखा रही हूँ। हमने 45 ले लिया, तो x हमारे पास 4 है और y 5 है, तो 10 x की जगह 4 प्लस y की जगह 5, तो ये कितना आ गया 45। अभी इसका रिवर्सिंग ऑर्डर और बताना, इसका रिवर्सिंग ऑर्डर कितना हो जाएगा, रिवर्सिंग का मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे y और जहाँ पे y है वहाँ पे x। तो देखो 10y प्लस x, y की जगह कितना है, जैसे ये 45 है तो 54 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 10 की जगह 5 प्लस 4, ये 50 प्लस 4, तो ये 54। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 9 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 9, बस रिवर्सिंग ऑर्डर होगा, यहाँ पे 45 था यहाँ पे 54। तो इसका मतलब यहीं पे यही है, नंबर जो हमारे पास एग्जैक्ट था ये था 10x प्लस वाई, लेकिन रिवर्सिंग करेंगे ना इसका तो x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा। ठीक है, अभी इसने आगे कंडीशन बता रखी है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, जो ये वाला जो नंबर है इसका जो 9 टाइम्स है 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन, जो हमने रिवर्स ऑर्डर लिया है ना उसका ट्वाइस है, तो इसने ये वाली चीज़ बता रखी है। अभी हम इस चीज़ को सोल्व कर लेंगे, 9 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 90x प्लस 9y, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 20y प्लस 2x। अभी x x वाला साथ ले आएंगे और ये जो y y वाला है इसको एक साइड ले जाएंगे, तो ये कितना बच गया 88x, ये कितना बच गया 11y। तो अभी 11 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 8x इज इक्वल्स टू y, मीन्स y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8x। अभी ये जो y की वैल्यू आई है ना 8x, अभी इसको हम किसमें, ये वाली जो हमारी इक्वेशन 1 थी ना इसमें पुट करेंगे, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट थी कितनी थी x प्लस y की जगह 8x इज इक्वल्स टू 9, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, y की जगह हमने 8x पुट कर लिया, तो अभी 9x इज इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 9 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, अभी हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू इसी में पुट करके, जो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है इक्वेशन फर्स्ट है, उसमें x की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 1 पुट कर लेंगे, प्लस y इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। तो मतलब हमने जो भी डिजिट मानी थी वो देखो, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, y की आ गई 8, तो जो नंबर हमने क्या माना था 10x प्लस वाई, तो नंबर क्या आ जाएगा अपना 10x प्लस वाई, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1 और y की जगह क्या पुट करेंगे 8, तो ये क्या आ गया 10 प्लस 8, तो जो नंबर टू डिजिट का नंबर लिया था जिसको ऐड करके हमें 9 मिलेगा वो क्या आ गया हमारे पास 18। ठीक है, अभी हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो इसके फोर्थ पार्ट में क्या बता रखा, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ
रुपए 2000। मीना बैंक में जाती है 2000 रुपए लेने के लिए। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर रुपए 50 एंड रुपए 100 नोट्स ओनली। वो जो कैशियर होता है उसको बोलती है कि उसको सिर्फ 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। जो मीना 25 टोटल नोट लेके आती है 25 नोट्स लेके आती है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 100 सी रिसीव्ड। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने 50 और 100 रुपए के नोट कितने लिए कि उसके 2000 रुपए पूरे हो जाएं। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, लेट 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल्स टू एक्स और 100 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसने क्या बता रखा, टोटल नोट्स लेके आती है वो 25 और वो सारे नोट कितने के हैं, 50 और 100 के हैं। तो मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, ये हमें इसने क्वेश्चन में बता रखा है। इसके आगे उसने क्या बता रखा है कि वो 2000 रुपए लेके आती है टोटल, और हमें ये नहीं पता कि वो 50 रुपए के कितने लेके आती है और 100 रुपए के कितने लेके आती है। लेकिन 50 के लेके आती है x, 100 के लेके आती है y। तो मतलब ये 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। तो ये वाली एक इक्वेशन तो ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। इसको हम सोल्व करेंगे, दोनों साइड 50 से डिवाइड कर देंगे। तो इस साइड भी 50 से डिवाइड, इस साइड भी 50 से और इस साइड भी 50 से। ये कितना बच गया x, ये कितना बच गया 2y, और ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना बच गया 40। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। तो अभी वही एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो ये वाले कोफिशियंट सेम है, इनको एलिमिनेट कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये माइनस माइनस माइनस, ये कितना बच गया माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये कितना बच गया माइनस, ये बच गया 15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया हमारे पास 15। अब ये जो y वाली वैल्यू है इसको हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25। तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10। तो मीन्स वो x हमने क्या माना था, 50 रुपए के नोट, वो लेके आती है 10, और y क्या माना था हमने, 100 रुपए के नोट, वो कितने लेके आती है 15। तो 50 रुपए के नोट्स लेके आती है वो 15, और 100 रुपए के नोट्स लेके आती, सॉरी 50 रुपए के नोट्स लेके आती है 10 और 100 रुपए के नोट्स लेके आती है 15। तो उसके टोटल 2000 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड रुपीज 27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, वाइल सुसी पेड रुपीज 21 फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 डेज। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो देखो क्या बता रखा है, एक लाइक जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था टैक्सी वाला, वैसे ही इस ये भी करना है, सेम उसी तरह है। तो देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फिक्स चार्ज को लेट कर लेंगे, वो कितना हमारे पास एफ। ठीक है, अभी पर डे चार्ज, वो मतलब देखो ये तो फिक्स चार्ज है उसका, लेकिन वो फर्स्ट 3 डे चार्ज कर देती है। ये देखो ये जो चार्ज है ना उसका, ये फर्स्ट 3 डे का है, उसके आगे इसने फर्स्ट 3 डेज जो चार्ज पे करती है वो फिक्स्ड है उसका, ये एफ पे करती है। बाकी के दिन जो भी चार्ज पे करती है ना वो हम क्या मान लेंगे, एक्स। तो ये क्या हो गया, लेट पर डे चार्ज इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अभी क्या बता रखा है, और वो कितने दिन, नंबर ऑफ डेज कितने हो गए उसके, डी। ठीक है, कितने दिन वो मतलब चार्ज पे करती है, उसका एडिशनल चार्ज कितने दिन देती है, कितना देती है। तो देखो उसका पर डे चार्ज तो एक्स हो गया, और नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, डी हो गया उसका। तो अभी हमें कंडीशन क्या बता रखा है, देखो फिक्स चार्ज है उसका एफ, वो फर्स्ट 3 डेज आती है, बाकी उस कितने दिन जाती है वो हमें पता नहीं, और पर डे के हिसाब से कितना चार्ज देती है वो एक्स देती है। तो ये कितना हो गया हमारा टोटल पेड,
मतलब टोटल कितना देती है वो हम ऐसे निकालेंगे, फिक्स्ड चार्ज जो फर्स्ट 3 डे का है उसका, बाद में वो कितने दिन जाती है और पर डे कितना देती है वो हमें पता नहीं, वो हमें निकालना है। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अभी आगे इसने क्या बता रखा है, सरिता जो है वो पेड करती है 27 रुपीज़, वो 27 रुपीज़ देती है, ठीक है। टोटल पेड वो कितना करती है, 27 करती है, और वो फिक्स चार्ज का हमें पता नहीं है। तो ये कितना दिन, 7 डेज, ये हमारे डेज थे तो 7 डेज जाती है ये एक्स। तो ये हमारे पास एक है एफ प्लस 7x इजिक्वल्स टू 27, एक इक्वेशन हो गई। अभी वो बताता है सुसी जो है वो पेड करता है कितने रुपीज़, 21 रुपीज़ पेड करता है, और कितने दिन, 5 डेज। तो 5 क्रॉस x, तो ये कितना हो गया एफ प्लस 5x इजिक्वल्स टू कितने करता है, 21। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, एफ प्लस 7x इजिक्वल्स टू 27, और ये क्या थी एफ प्लस 5x इजिक्वल्स टू 21। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फिक्स चार्ज निकालना और पर डे चार्ज कितना देता है वो निकालना है। तो अभी वही एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ से माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, 7 में से 5 गए 2x, और ये बच गया 6। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। मतलब पर डे चार्ज कितना देती है वो, 3 रुपये। अभी ये वाली चीज़ एक्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चाहे कौन सी में भी पुट कर लो, एफ प्लस, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं एफ प्लस 7 3 इजिक्वल्स टू 27। तो ये कितना हो गया एफ प्लस 21 इजिक्वल्स टू 27। तो एफ कितना हो गया, 27 माइनस 21 इजिक्वल्स टू 6। तो फिक्स चार्ज कितना है उसका, ये 6 है, और वो पर डे कितना देता है, 3। तो हमें सिर्फ यही निकालना था, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज़।